और बात राजस्थान में हाउसिंग बोर्ड लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और हाउसिंग बोर्ड की आवासीय योजनाएं आम लोगों के बीच खासा लोकप्रिय हैं। ऐसे में आमजन में इन योजनाओं से जुड़ी जानकारी हासिल करने की जिज्ञासा होना लाजमी है, जिसको लेकर हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा ने फेसबुक पर लाइव आकर इस दरमियान उन्होंने लोगों के सवालों के तमाम जवाब दिए। पिछले एक साल से आवासों की बिक्री के मामले में दो बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा ने आम जन से सीधी बातचीत की। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा 38 मिनट तक फेसबुक पर लाइव रहे। इस बातचीत का मकसद यही था कि लोगों के हाउसिंग बोर्ड के आवासों और व्यावसायिक संपत्तियों को लेकर सवालों के सीधे जवाब दिए जाएं, ताकि लोगों के मन में हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं के विषय में कोई भ्रम न रहे। और हुआ भी ऐसा ही। कमिश्नर पवन अरोड़ा की ये पहल जबरदस्त हिट हुई और मात्र 38 मिनट में 268 लोग उनसे फेसबुक पर जुड़े और अपने सवाल उनके सामने रखे। अरोड़ा ने धैर्यपूर्वक एक एक सवाल का जवाब दिया, लोगों की जिज्ञासाओं को शांत किया और उनके सुझावों को नोट कर अमल में लाने का आश्वासन दिया। तो वहीं इस दौरान हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा से लोगों ने 3 दिन बाद शुरू होने जा रहे ई ऑक्शन को लेकर सवाल पूछे, जिसके तहत 13 से 30 जुलाई तक व्यावसायिक संपत्तियों का ई ऑक्शन हाउसिंग बोर्ड करेगा। ई ऑक्शन के लिए अभी से 2 दर्जन से ज्यादा पंजीयन हो चुके हैं। इसके लिए भुगतान की शर्तें आसान की गई हैं, इसलिए लोगों के लिए संपत्ति खरीदना सहज हुआ है। अब कुल राशि की 50% राशि जमा करने के लिए 1 साल तक का समय मिलता है, जबकि आम लोग मात्र 10% राशि देकर अपना आवास खरीद सकते हैं। वहीं मानसरोवर सिटी पार्क में बड़े स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा। वहीं यहां कोचिंग हब बनाने को लेकर लोगों ने जिज्ञासा दिखाई है। साथ ही टेक्नोलॉजी पार्क में इंदिरा महिला शक्ति केंद्र बनाए जाने की भी पहल की जा रही है। फेसबुक पे करीब 40 मिनट के लिए लाइव हुए और हमने लोगों को हमारी जो वर्तमान योजनाएं हैं, खासतौर से मकान की कीमत का 10% दीजिए, गृह प्रवेश कीजिए, इस योजना को लेकर के लोगों में कुछ भ्रांतियां भी थी, कुछ लोग अपने सुझाव भी देना चाहते थे। आने वाले समय में अभी 13 जुलाई से 30 जुलाई तक हम अपनी व्यावसायिक संपत्तियों का और प्रीमियम संपत्तियों का ई ऑक्शन करने जा रहे हैं। उसके बारे में काफ़ी सवाल थे, लोग जानना चाहते थे ई ऑक्शन में कैसे भाग ले सकते हैं, और ख़ास तौर से इस बारे में लोगों ने बहुत खुशी जाहिर की कि हमने अपने ई ऑक्शन में जो भुगतान की शर्तें हैं उनको बहुत सरल और आसान बना दिया है। दरअसल हाउसिंग बोर्ड संपत्तियों की नीलामी के मामले में 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है और हाल ही में हाउसिंग बोर्ड ने अपने नवंबर 2019 के बनाए पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिसके तहत मात्र 12 दिन में 1213 संपत्तियों की बिक्री कर 178 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया था। इसको लेकर तमाम सवाल फेसबुक लाइव के दौरान पवन अरोड़ा से पूछे गए, जिसका उन्होंने सहजता से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब ये नहीं होगा कि मकान बनाएं और बिके नहीं, क्योंकि अब जनता की मांग के आधार पर मकान बनाए जा रहे हैं। शिक्षकों के लिए उनकी मांग के आधार पर योजना लॉन्च की गई, लोगों से किस्तों में पैसा लेकर मकान बनाकर हम उन्हें दे रहे हैं, जिसके तहत शिक्षक आवास योजना के तहत मकान बनाकर जल्द उनको सुपुर्द कर देंगे। वहीं हाउसिंग बोर्ड अब कर्मचारियों के लिए नई आवासीय योजना लॉन्च करेगा, इसको सीएम अशोक गहलोत लॉन्च करेंगे। देखिए, हाउसिंग बोर्ड में खासतौर से इंजीनियर्स के करीब 10 साल से प्रमोशन या पदोन्नतियां पेंडिंग थी, तो हमने एक प्रयास किया, हमारे अध्यक्ष हैं श्री भास्कर सावंत, उन्होंने और हमने मिलजुल करके एक बहुत अच्छा प्रयास किया और पूरे 10 साल से लंबित जो भी अटके हुए मामले थे उन सबको क्लियर करके सारी पदोन्नतियां दे दी। आप कह सकते हैं कि चीफ इंजीनियर से लेकर के बाबू तक की सारी पदोन्नतियां हम इस वर्ष तक कर चुके हैं और पिछले दिनों में हमने 300 से अधिक प्रमोशन कर दिए हैं और इससे निश्चित तौर पर मंडल के सारे अधिकारी कर्मचारियों में बहुत उत्साह का माहौल है। वहीं पवन अरोड़ा ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड में पिछले 10 सालों से अधिकारियों कर्मचारियों की जो पदोन्नतियां नहीं हो सकी थीं, हमने उन्हें प्राथमिकता के आधार पर किया है। क्लर्क से लेकर चीफ इंजीनियर तक की पदोन्नतियां की गई हैं, लिहाजा पूरे हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों का जोश हाई है। वहीं अब 13 जुलाई से शुरू होने जा रहे व्यावसायिक संपत्तियों के ई ऑक्शन में हाउसिंग बोर्ड को बड़े स्तर पर बिक्री और राजस्व संग्रहण की उम्मीद है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि हाउसिंग बोर्ड त्योहारी सीजन के समय में अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़कर नए रिकॉर्ड कायम करेगा और आमजन के सपनों के आवास का सपना पूरा करेगा। जयपुर में सहयोगी शिवेंद्र परमार के साथ काशीराम चौधरी की रिपोर्ट।